का सार पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम परिचय, लेखक परिचय कि कबीर दास जी का क्या परिचय है। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक मत है। कहा जाता है कि उनका जन्म 1998 में काशी में हुआ। उन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, परंतु सत्संग पर्यटन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। वे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले संत थे। उनकी मुख्य रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है और कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संग्रहित। उनकी मृत्यु सर 1518 मगर में हुई थी। पाठ का सार में बताया है कि कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर के स्वच्छ एवं पावन जल को छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाते, उसी प्रकार संत लोग भगवान की भक्ति के आनंद रूपी सरोवर को छोड़कर कहीं नहीं जाते। फिर दूसरा बताया है पंक्तिकार के ईश्वर का एक भक्त दूसरे भक्त से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं तथा दो भक्तों के मिलन से कलुषित वातावरण भी आनंदमय तथा पवित्र हो जाता है। ईश्वर की भक्ति तथा ज्ञान से ओतप्रोत प्रभु भक्त का यह संसार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। फिर चौथे प्रकार बताया है कि सत्य का ज्ञान रखने वाला श्रेष्ठ संत कभी भी तर्क वितर्क तथा ईर्ष्या देश के विवाद में नहीं पड़ता है। वह हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करता है और मनुष्य भक्ति एवं भजन में ही लीन रहता है। ईश्वर की भक्ति में मनुष्य को राम तथा खुदा में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर एक है, ईश्वर को ईश्वर ही मानना चाहिए। काबा तथा काशी में राम तथा रहीम में भेदभाव को त्याग कर तथा अपनी धार्मिक कट्टरता को छोड़कर हिंदू और मुसलमानों को एक साथ राम तथा रहीम दोनों की उपासना करनी चाहिए। मनुष्य अपने फल से नहीं बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से महान होता है। अब साखियों का प्रश्नों के उत्तर है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, मानसरोवर के दो अर्थ हैं, एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं, दूसरा पवित्र मन या मानस। प्रश्न दूसरा है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? उत्तर है, कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उसका मन विचारों से दूर तथा पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न तीसरा, दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया? इस दोहे में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। प्रश्न चार, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति धर्म संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है, तर्क वितर वैर विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति ही संत होता है। अंतिम दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की और संकेत किया है? उत्तर है, अंतिम दो दोहे में कबीर ने बताया है कि अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता के बारे में बताया। दूसरा है, ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता बताई। प्रश्न छह है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर बताएं। किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं। कोई व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय है। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई यदि अच्छे कर्म करता है तो समाज में आदरणीय बन जाता है। तुलसी और अनेक जैसे मुनि साधारण से परिवार से जन्मे और अच्छे कर्म के माध्यम से आदरणीय बन गए। दुर्योधन रावण बुरे कर्मों के कारण निंदनीय हो गए। प्रश्न साथ है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। स्वान रूप हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चा डाल, स्वान रूप संसार है भैकन दे झकमार। इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। सहज साधक मस्ती के से हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं और संसार भर के कुत्ते भौं भौं कर शांत हो रहे हैं, परंतु वे हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यह चित्र निंदकों का व्यंग है।
और साधकों के लिए प्रेरणा है। सांग रूपक अलंकार का कुशलता पूर्वक इस दोहे में प्रयोग किया गया है। सांग रूपक अलंकार का कुशलता प्रयोग किया है। ज्ञान रूपी हाथी है, सहज साधना रूपी दुलीचा है, निंदक संसार रूपी स्वान है, निंदा रूपी भोकना झकमारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया। स्वान रूप संसार है, एक सशक्त उपमा है। शबद पद, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर है, मनुष्य अपने धर्म संप्रदाय और सोच विचार के अनुसार ईश्वर को मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे पूजा स्थलों और धार्मिक स्थानों पर खोजता है। ईश्वर को पाने के लिए कुछ लोग योग साधना करते हैं, कुछ सांसारिकता से दूर होकर सन्यासी वैरागी बन जाते हैं। प्रश्न 9 है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न काबा में है, न कैलाश आदि यात्रा में, वह तो सिर्फ कर्म कांड करने में मिलता है। योग साधना से न वैरागी से, ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग हैं, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में क्यों कहा है? कबीर का मानना था ईश्वर घटघट में समाया हुआ, प्राणी की हर सांस में समाया हुआ, उसका वास प्राणी के मन में है आदि बताया है। अब प्रश्न 11 है कि कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से क्यों की? तो कबीर के अनुसार बताया है कि जब प्रभु का ज्ञान का आवेश होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है, उससे पूरी जीवन शैली बदल जाती है, सांसारिक बंधन पूरी तरह कट जाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता बल्कि एकाएक और पूरे वेग से होता है, इसलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से की गई है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी आने से भक्त के जीवन पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। भक्त के मन पर छाया ज्ञान तगत भ्रम दूर हो जाता है, भक्त के मन का कूड़ा करकट लोभ लालच आदि निकल जाता है, मन में प्रभु भक्ति का भाव जगता है, भक्त का जीवन भक्ति के आनंद में डूब जाता है आदि आदि। प्रश्न 13 है, भाव स्पष्ट कीजिए, हिति चित्त की वेश्रणी गिरानी, मोह वरिंदा टूटा, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरी जन बीना। इसका भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान हो जाने के बाद प्रभु प्रेम के आनंद की वर्षा होती है और आनंद हृदय पूरी तरह सरोवर हो जाता है। फिर है रचना और अभिव्यक्ति, संकलित साखियों पदों के आधार पर कवि के माध्यम से धार्मिक सांप्रदाय सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, पाठ में संकलित साखियों से ज्ञात होता है कि कभी समाज में फैले जाति धर्म के झगड़े मुझमुझ की भावना मनुष्य का हिंदू मुस्लिम विभाजन आदि वह मुक्त समाज देखना चाहता है और वह हिंदू मुस्लिम विरोधी है, दोनों को सांप्रदायिक सद्भावना से देखना चाहता है। अब है भाषा अध्ययन में निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप, ये व्याकरण है आपकी, पखा पखी अनाथ जो जुगति बैरा निरपक। उत्तर है, पका पकी में पक्ष विपक्ष, अनंत अन्यंत, जोग योग, जुगति युक्ति, बैराग बैराग्य, निष्पक्ष निरक्ष आदि। कबीर की साखियों को याद करके इसकी अंत्याक्षरी का अध्ययन आप स्वयं करें आदि। साखी एवं शब्द पाठ का शब्दार्थ, सभर अच्छी तरह से भरा हुआ, लबालब केली क्रीड़ा खेल, तालब मोती, गुलीचा आसनकालीन, स्वान कुत्ता निकटी, मोटे अन्य मोटा आटा या जमी, सुरा यानि शराब और मदिरा। शब्द में थूनी स्तंभ खम्भा टेक भांडा फूटा यानि भेद खुलना आदि आदि, ये सारे आपके शब्दार्थ हैं।